एंटार्क्टिका दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है और उसकी वजह हम सब जानते हैं। जी हाँ, यहाँ की माइनस टेम्परेचर वाली ठंड। यहाँ ठंड के दिनों में -90 डिग्री कूलेस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है। इतनी ठंड में किसी इंसान का रहना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर इस पिरामिड के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को किसने बनाया? 2016 में सैटेलाइट ने एंटार्क्टिका में एक बहुत ही हैरान करने वाला फोटो कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को बाहर आते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसकी चारों साइट ऐसे ही दिखती है जैसे इजिप्ट के पिरामिड की है और एक एक साइट एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चले कि गिजा के सबसे बड़े पिरामिड्स की साइज 750 फीट या फिर 200 मीटर ही है। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी इंसान के हाथों बनाए हुए पिरामिड है। और अगर वाकई में ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े एंटार्क्टिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे या उनसे रिलेटेड सीक्रेट्स बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।